रसोड़े में कौन था, ये मीम से तो आप वाकिफ होंगे, जिसे एक्ट्रेस रूपल पटेल ने कोकिला के किरदार में निभाया था। दोस्तों, रूपल पटेल को आपने कई सीरियल में देखा होगा, लेकिन इनके रियल लाइफ के बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। आखिर कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया और अब फिलहाल कैसी लाइफस्टाइल जी रही है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप रूपल पटेल के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूपल का रियल नेम रूपल पटेल है और इनका जन्म 2 जनवरी 1975 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2023 के हिसाब से ये 48 साल की हैं। दोस्तों, रूपल ने कॉमर्स की डिग्री हासिल की है और साथ ही साथ एक्टिंग की क्लास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से ली। रूपल पनोरमा आर्ट थिएटर्स में एक थिएटर ग्रुप का भी हिस्सा थी, जहाँ रूपल प्लेज वगैरह करती रहती थी। बात करते हैं रूपल पटेल के करियर के बारे में। दोस्तों, रूपल ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में 1985 में आई फिल्म महक से की, जिसके बाद 1991 में रूपल फिल्म अंतरनाद में दिखी और ऐसे ही रूपल ने 90s की कुछ फिल्मों में काम किया, जिनके नाम है सूरज का सतवन, घोड़ा, पपीहा, मामू और समर। लेकिन ये सब फिल्म करने के बावजूद भी रूपल कहीं नोटिस नहीं हुई, जिसके बाद रूपल हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में आई और 1999 में सीरियल गुब्बारे में काम किया और फिर 2001 में स्टार प्लस के सीरियल शगुन में दिखी और 2002 में सौ दादा ससुना में नजर आई, जिसमें इन्होंने आशा लता का किरदार निभाया और साथ ही साथ रूपल क्राइम पेट्रोल के कुछ एपिसोड में नजर आई और 2009 में सीरियल जाने क्या बात हुई में काम किया। लेकिन रूपल के करियर में स्ट्रगल अभी भी था। इनको उस मौके की तलाश थी जिससे वो पूरे भारत के लोगों के सामने नजर आए और इनके करियर का टर्निंग पॉइंट 2010 में आया। इन्होंने 2010 में सीरियल साथ निभाना साथिया में काम किया और कोकिला नाम से पहचानने जाने लगी। दोस्तों, रूपल ने इस सीरियल में लगभग 7 साल तक काम किया, यानी 2017 तक, जिसके बाद 2019 में रूपल सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में नजर आई और 2020 में साथ निभाना साथिया 2 के कुछ एपिसोड में काम किया और इस दौरान इस सीरियल का डायलॉग रसोड़े में कौन था काफी फेमस हुआ और काफी मीम वगैरह भी बने। और 2021 से लेकर 2022 तक रूपल बतौर मिथिला मोदी सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में नजर आई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रूपल स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर भी है और इन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 बार अप्रिशिएट भी किया गया है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना रूपल पटेल आपको कैसी लगती है। चलिए मिलवाते हैं आपको रूपल पटेल की फैमिली से। तो दोस्तों, रूपल के माता पिता के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनकी 2 बहनें हैं। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में, तो दोस्तों, इनके हस्बैंड का नाम है राधा कृष्णन दत्त और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है हर्ष पटेल। अब बात करते हैं रूपल पटेल के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रूपल पटेल का एक सुंदर सा मुंबई महाराष्ट्र में अपार्टमेंट है, जहां पर वो अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती है। वहीं बात करें रूपल पटेल के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है होंडा सिटी, जिसकी कीमत है 11 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है टोयोटा इनोवा, जिसकी कीमत है दोस्तों 25 लाख रुपए और तीसरी कार इनके पास है ऑडी Q7, जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। वहीं बात करें रूपल पटेल के इनकम के बारे में, तो दोस्तों, रूपल पटेल एक एपिसोड में काम करने के लिए 80,000 से 90,000 रुपए तक लेती हैं। अब बात करते हैं रूपल पटेल के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों, इनका टोटल नेटवर्थ है 25 करोड़ रुपए। तो ये थी रूपल पटेल की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।